साथियों नमस्कार, किसान अकादमी में आपका स्वागत है। और आज हम बड़ा रोचक विषय आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं सीरीज में। आज हम कब्ज जो हो बड़ा कॉमन सा एक बीमारी है जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारियां शेयर करेंगे कि किस प्रकार के भोजन का ध्यान रख के आप जो इस तरह जो कब्ज का रोग है इससे आप मुक्ति पा सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं और इसके जो दुष्प्रभाव है उससे बच सकते हैं। साथियों, सुबह या आदत के अनुसार शाम को भी निश्चित समय पर शीघ्र और पूरी तरह से शरीर से मल का विसर्जन न होना कब्ज का रोग माना जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो शरीर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। और आप देखेंगे कि एक निश्चित समय में आपकी नींद खुल जाती है और निश्चित समय में आपको नींद आने लगती है। इसी तरह शरीर की जो सभी क्रियाएं हैं जिसमें मल विसर्जन भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसका भी एक निश्चित समय होता है। और यदि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बिगड़ जाती है तो इस तरह की हमारे को जो समस्याएँ आने लगती हैं उससे फिर बहुत सारे रोग भी इसमें कारणों का जो निदान है वो ना किया जाए तो बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं। अब यदा कदा जो ये जो रोग है सभी को हो जाता है, लेकिन इससे रोजाना परेशान रहना निश्चय ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। निरंतर कब्ज की शिकायत बनी रहने से शरीर और मन दोनों पर ही दुष्प्रभाव पड़ता है और बवासीर, भगंदर, शाइटिका, फिशर और ये सब कॉमन से रोग हैं जो कब्ज के होने के बाद व्यक्ति को हो सकते हैं। इसलिए कब्ज को बहुत सारे रोगों की जड़ कहा जाता है। साथियों, कारण क्या है इसके, इन कारणों की बात करें तो कब्ज पैदा होने के कारणों में वक्त पे वक्त भोजन करने की आदत है, एक ये सबसे बड़ा कारण है। नियमित रूप से और निर्धारित समय पर भोजन नहीं करना, गरिष्ठ तले हुए और मैदे वाले जो व्यंजन हैं उनको खाना, तेज मिर्च मसालेदार चटपटे भोजन को ठीक से बिना चबाए बार बार हमको खाते रहें, और रात का भोजन देर से करना और पहले भोजन का हजम हुए बिना फिर से भोजन कर लेना, मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, शोक की अवस्था में भोजन करना भी कब्ज का मुख्य कारण हो सकता है। अब साथियों, भोजन में रेशेदार जो है आहार वो ना हो, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इसका अधिक सेवन करना, भोजन के तुरंत बाद दिमागी मेहनत करना, और आप यदि व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और परिश्रम से आप लगातार चीज चुराएंगे तो यह आपको कब्ज की एक समस्या लगातार बन जाती है। साथियों, लक्षण जो है इसके वो क्या है। कब्ज के लक्षणों में एरुचि सबसे बड़ा लक्षण है, भूख खुल करने लगती है, पेट में भारीपन महसूस होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पेट फूलने लगता है, गैस की तकलीफ होती है, शौच खुल कर नहीं आता है, मन सूखा कड़ा और कम होता है और सिर दर्द, जीभ मचलाना, कमर और जोड़ों में दर्द, मन में ग्लानी, आलस्य, चिड़चिड़ापन, कलेजे में धड़कन जो मालूम होती है, नींद नहीं आती और जीभ पर सफ़ेद मैल जम जाती है, ये सब हमारे को लक्षण देखने को इसमें अक्सर मिल जाते हैं। अब साथियों, आगे बात करें यदि से व्यक्ति पीड़ित है उस समय क्या व्यक्ति खाए और क्या ना खाए। साथियों, जब तक जहाँ तक खाद्य पदार्थों की बात है तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो शुद्ध स्वच्छ जो खाने हैं हल्के हैं वो खाने चाहिए, अंकुरित अनाज को प्राथमिकता देनी चाहिए, गेहूं के पौधे के जो जवारे हैं उनका रस पीना चाहिए, गेहूं, चना, जो चोकर की जो मोटी मोटा आटा पीस के उसकी रोटी चबाकर खानी चाहिए, भोजन में दलिया, खिचड़ी, मूंग, अरहर की दाल, इसकी मात्रा को यदि हम बढ़ा दें। और सभी गर्म फलों की बात करें तो उसमें केले, सेब, अनार, अमरूद, पपीता, आम, खरबूजा, सूखे मेवों में जो मुनक्का है, अंजीर है, किशमिश है, बादाम है, इसका हम सेवन कर सकते हैं। भोजन में रोटी और हरी जो सब्जियां हैं उसका सेवन अधिक करना है। ककड़ी, शलगम, गाजर, मूली, टमाटर, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, बथुआ, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके नींबू का रस मिला के सलाद की तरह उसको खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है साथियों कि आपके बॉडी में जो फाइबर है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और रात्रि में जब आप सोएं तो गर्म मीठा दूध पी सकते हैं, मुनक्का भी उसमें आप डाल सकते हैं, और दोपहर के भोजन में और मध्य में अंत में थोड़ा छाछ हल्का पी सकते हैं, इससे भी बहुत राहत मिलती है। और पेय पदार्थों में शरबत है, सूप है, लस्सी है, पानी है, इसका सेवन यदि आप अधिक करते हैं तो आपको शरीर में कब्ज की जो समस्या है उससे बहुत राहत मिलती है। अब साथियों, क्या ना खाएं ये सबसे बड़ी बात होती है। गेहूं के आटे की जो रोटी है उसको थोड़ा कम करना है, उसमें यदि आप चना जो अगर आप मिलाते हैं तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाता है, प्योर गेहूं के जो आटा है उसकी रोटी को थोड़ा कम करना है। बासी, ठंडे, गरिष्ठ, तले, भुने, मैदे वाले व्यंजन, मिर्च मसालेदार चटपटे जो चीज़ें हैं, मांस, अंडा, उड़द की दाल, बैंगन, अरबी, भिंडी, मसूर, चने की दाल, इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम करना है। और शराब, चाय, कॉफ़ी से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ठीक रहेगा। अब केला, प्याज, सेब, मूली, दही, इसको रात को नहीं खाना है आपको।
और भोजन के पूर्व मध्य और अंत में एक बार आप पानी जो है वह पी लें। बेटर है कि भोजन करने से पहले भी आप अच्छा पानी पी लें तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा इसमें लाभ जो मिलता है। साथियों, हमने आज बात करी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज के बारे में, और इसके बारे में जो क्या कारण है, क्या लक्षण है, तो इससे जुड़ी हुई जो बातें थी हमने आप करी। और अभी हम कुछ ऐसी गतिविधियाँ जिसको आप इस्तेमाल करके दिनचर्या में उन बातों को शामिल करके रोग निवारण में जो सहायक उपाय हैं उसके बारे में क्या कर सकते हैं जिससे कब्ज ना हो आपको। साथ ही 24 घंटे में सुबह शाम 2 बार शौच डालने की आदत डालें। सुबह कुल्ला करके शौच से पूर्व 1-2 गिलास पानी पिए। नित्य परिश्रम जो है आपको, फिजिकल वर्क आपको करना है, और भोजन के 1 घंटे के बाद 1 से 2 गिलास पानी इसमें लगातार पिए। सरसों के तेल की मालिश पेट के ऊपर सुबह शाम की जा सकती है, और कभी कभार कब्जियत की तकलीफ पड़ने पर इसबगोल की जो भूसी होती है उसको गर्म दूध के साथ शाम को सेवन कर सकते हैं। उससे भी आपका जो जो आपका फाइबर है बॉडी में आपका बढ़ जाता है। और आलस्य से दूर रहें, क्योंकि आलस्य में व्यक्ति रहने से व्यक्ति की जो दिमागी सक्रियता वो कम हो जाती है। और एक बात हो रहा है कि भोजन के तुरंत बाद काम करने में बैठे लिखने पढ़ने का जो काम है वो बाद में करें। मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध और शोध की अवस्था में भोजन ना करें, और कब्ज निवारण के लिए नियमित रूप से दवाओं की भी आदत ना डालें। इससे भी क्या होता है कि शरीर है वो दवाओं पर डिपेंडेंट हो जाता है और अपनी जो प्राकृतिक तौर पर जो उसको काम करना है वो काम नहीं कर पाता, और उससे व्यक्ति को फिर बाद में जाकर दवाओं की आदत पड़ जाती है और उसका जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो फिर अच्छे से काम नहीं करता। साथियों, हमने आज बात की कब्ज के बारे में, क्या हम दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं और क्या खाएं क्या ना खाएं। इस सीरीज़ के तहत हम पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। साथियों, आपको हमारी ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको क्या जानकारियां मिल रही हैं, क्या जानकारियां आपको और चाहिए, इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बात कर सकते हैं। और किसी विशेष विषय के ऊपर आपको रुचि है तो आप हमारे को उसके बारे में भी बताएं, हम उस पर शोध करके आपके लिए जो जानकारियों का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। आप हमारा फेसबुक पेज है साथियों, facebook.com/kisanakademy, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ के वहाँ चल रहे विमर्श में आप शामिल हो सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा एक ज्ञानवान, नॉलेज बेस आप हमारे साथ मिलकर अपने जीवन को अच्छा जीवन बना सकते हैं। आप हमसे जुड़ रहे हैं साथियों, धन्यवाद।